तो इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं फेफड़ा, ये चौथा अंग मनुष्य का जो हम लोग पढ़ रहे हैं। फेफड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है, तुम लोग को पता है कोरोना वायरस जो है फेफड़े को ही अटैक करता है। तो सांस की अगर हम लोग बात करें तो अगर फिर से मैं एक चित्र अगर मैं बनाऊं तो नाक से अगर हम लोग सांस लेते हैं तो तुम लोग को पता है कि यहाँ पर मुंह की नली और अंत में ये जो फायरिंग्स नामक जो जगह है जिसको अंदर वाला भाग को फायरिंग्स कहते हैं, ये फायरिंग्स नामक जगह में जाकर के नाक का भाग और मुंह का भाग दोनों ही मिल जाते हैं। इसलिए देखो भोजन करते करते कभी कभी हम लोग खाते हैं तो नली में चली जाती है सांस की नली में, एक साथ दोनों में इंटरफेरेंस होता है। तो यहीं से हमारा भाग शुरू होता है यहाँ, इसको हम लोग कहते हैं ट्रेकिया। रिंग रिंग जैसे स्ट्रक्चर से ये बना होता है और ये ट्रेकिया जो होता है यहाँ आके ये दो भागों में बढ़ जाता है। ट्रेकिया नीचे यहाँ पर एक ढक्कन होता है मुखवा के ऊपर, इसको ये ढक्कन ढक के रखता है, इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। और ये जो सांस की नली में जब ये पाइप्स खुलता है तो इसको इस भाग को कहते हैं ग्लॉटिस। सांस जब हम लेते हैं तो जैसे ये ढक्कन खुल जाता है, एपिग्लॉटिस नामक ढक्कन अगर खुल जाती है तो सांस अंदर चली जाती है। और खाते वक्त क्या होता है कि हम लोग इसलिए ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए क्योंकि खाते वक्त ये ढक्कन अगर खुल जाती है सांस भी चलता रहता है, तो इसीलिए खाते वक्त चुपचाप ये भोजन इसके ऊपर से निकल जाता है और अभी जो पढ़े इसके पहले आवासे में भोजन चली जाती है। तो ये ग्लॉटिस से होकर भोजन ये सांस जो है ऑक्सीजन वायु जो है एयर हवा जो है अंदर आती है और इस भाग को हम लोग कहते हैं ट्रेकिया, ट्रेकिया कहते हैं। रिंग रिंग नामक कार्टिलेज से बना होता है और ये दो भागों में बढ़ जाता है। ये की कहते हैं ब्रोंकी, ब्रोंची दो ब्रांच हो जाता है ट्रेकिया का और ये जो है फिर और भी कई ब्रांचेज हो जाते हैं। जिस तरह से पेड़ की शाखाएं ब्रांचेज होती है, ये अंदर आकर के और भी कई ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है। ये अंदर आकर के ये जो ब्रांचेज हैं और भी कई ब्रांचों में डिवाइड हो जाती है और ये गोल गोल जैसा घर होता है, बहुत सारे गोल गोल जैसे घर बनाते हैं। तो ये गोल गोल जो घर होते हैं मधुमक्खा की छत्ता की तरह, इसको कहते हैं एल्वियोली, इसको कहते हैं एल्वियोली। अब ये एल्वियोली ये क्या करता है, एक बाहरी एक लेयर से ये बंद हो जाता है, इसको एक बाहर का लेयर इसको एक कवर करके रखता है। इस बाहरी झिल्ली को कहते हैं प्ल्यूरा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि प्ल्यूरा क्या है, तो फेफड़े को ढक के रखने वाली पारदर्शी पतली नरम मुलायम झिल्ली को प्ल्यूरा कहते हैं। अब देख लो प्ल्यूरा के अगर अंदर की अगर हम लोग देखें तो ये कितने सारे ब्रांच में तब्दील हो जाता है, इसको कहते हैं ब्रैंकियोल्स। ब्रैंकियोल्स कितने ब्रांच में ये डिवाइड हो जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ब्रैंकियोल्स। अब ब्रैंकियोल्स जाके अंत में खुलते हैं एक गोल स्पेस में, खाली जगह में, गोल गोल खाली जगह रहते हैं इसमें, ये सारे ब्रांच जो है उसमें जाके खुल जाते हैं, यानी इसको कहते हैं एल्वियोली, हमने बताया। तो लाखों एल्वियोलीज फेफड़े के अंदर पाए जाते हैं और ऑक्सीजन यहीं पर जमा रहती है। और कोरोना वायरस क्या करता है कि यहीं से हम लोग भोजन मुंह और नाक के द्वारा जब पहुंचता है तो अंदर आने के बाद जितने भी घर होते हैं गोल गोल, उस घर में के अंदर म्यूसुलेज अधिक मात्रा में बनाने लगता है, कफ बनाकर ये सबको बंद कर देता है, ये सारे घर को बंद कर देता है। ये सारे घर बंद हो जाने के कारण जब हम लोग सांस लेते हैं, यहाँ तक ये वाले नली भी जो है बंद हो जाता है कफ के द्वारा, म्यूसिलेज के बलगम के द्वारा, और जब भी सांस लेते हैं सांस अंदर जाने नहीं देती और कुछ ही देर में मनुष्य का दम घुट के मर जाता है। तो ये क्रिया धीरे धीरे होती है, वक्त लगता है 14 दिन 15 दिन 20 दिन, महीनों लग जाता है। कार्य क्या है इसका, स्ट्रक्चर तो हम लोग जान गए, कार्य क्या है, मेन कार्य है जब ऑक्सीजन जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये फेफड़ा एक बार जो है फूलता है और एक बार फैलता है और एक बार पिचकता है।
जब ये पिचकता है बैलून तो सांस को बाहर छोड़ देते हैं, और जब ये फैलता है तो सांस अपने आप भीतर चली जाती है, यानी कि ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना ये ब्रीदिंग की क्रिया है, सांस लेने की क्रिया फेफड़ा करता रहता है, ब्रीदिंग कहते हैं इसको, सांस लेने की प्रक्रिया ये दिन भर फेफड़े के द्वारा चलती रहती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है फेफड़े की, और इसके अलावा भी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना मतलब उत्सर्जन की क्रिया हो गया, शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का काम कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण इत्यादि अगर जमते हैं तो ये बलगम के द्वारा या सांस के द्वारा जो है कोशिश की जाती है कि जितनी गंदगियाँ हों वो बाहर निकाल दी जाए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम तुम लोग देख लिए।